हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट टू। पार्ट वन मैंने पहले अपलोड कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लेना। बाकी इसी तरीके से मैंने रीजनिंग और ऑनलाइन टेस्ट की भी सीरीज स्टार्ट की है, अगर आपको वो सभी वीडियोस देखनी है जो अभी तक अपलोड हो चुकी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक है, वहां से जाके देख लेना। और आगे जो वीडियोज़ अपलोड होगी, अगर आप चाहते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहां पे पहला क्वेश्चन है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, इसमें कोई भी ट्रिक कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है, जैसे इन्होंने बोला है वैसे लिख लेना है। रेशियो से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। यहां पर बोला 16 वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मीन्स कॉस्ट प्राइस सीपी, तो सीपी गुणा 16 मैंने लिखा और ये किसके बराबर है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस। तो एसपी मैंने 14 लिख लिया, एसपी मल्टीप्लाई 14 मैंने यहाँ पे लिख लिया। इनका मैं रेशो में इनको रेशो में बदलूंगा तो ये 2 से जाएगा 7 टाइम और ये भी 2 से जाएगा 8 टाइम, ये अभी भी एक दूसरे के इक्वल ही रखे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई, सीपी अपॉन एसपी मैंने लिखा, तो सीपी के सामने क्या है 7 है, तो सीपी आपकी 7 हो जाएगी और एसपी के सामने आपका 8 है तो ये आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा कि सीपी तो हमारी 7 थी, सीपी 7 नहीं होगी, सीपी किसके इक्वल है इस वाले के, तो सीपी आपकी हो जाएगी, सॉरी एसपी आपकी हो जाएगी 8 और सीपी आपकी हो जाएगी 7, ठीक है। तो सीपी अगर आपकी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य अगर आपका 7 है और सेलिंग प्राइस आपका 8 है तो इसका मतलब कितने से बढ़ा, 1 से, 1 का प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट 1 का हुआ है तो परसेंटेज में बदलना जा कोई बड़ा काम नहीं बचा है, क्योंकि परसेंटेज में आप सभी को बदलना आता होगा। 1 प्रॉफिट को परसेंटेज में बदलेंगे तो 1 अपॉन नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 7, तो अपॉन में 7 हो जाएगा। और जब भी हम किसी चीज़ को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 कंप्लीट 2 अपॉन 7, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसी तरीके के और भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, अगर ये समझ में नहीं आया होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। पर क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ बताने वाला हूं इसे मैं। दो बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 और 2:3 है, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पे बराबर करने की बात की गई है, यानी कि जो दो बर्तन है आपके पास ए और बी, दो बर्तन है, इसमें पहले वाले में दूध और पानी का अनुपात कितना है 5:3, यानी कि मिल्क और वाटर कितना है 5:3 है। दूसरे वाले में जो आपका मिल्क और वाटर है वो कितना है 2:3 में है, तो ये आपका दूसरे वाले में बी बर्तन में 2:3 आपने लिख लिया मिल्क और वाटर, और इनको बराबर करने की बात की जा रही है तीसरे बर्तन में, तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि जब तीसरे बर्तन में हम इनको मिलाए तो वो इक्वल हो, मतलब मिल्क और वाटर आपका 1:1 में हो, तो ये आपको या आपने यहाँ पे लिख लिया। अब इनको इक्वल करने की बात है ये है, तो आप एलिगेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये देखिए कैसे, अब यहाँ पे आप क्या करिए, जैसे मिल्क है तो मिल्क की क्वांटिटी यहाँ से लीजिए, मिल्क की क्वांटिटी यहाँ से लीजिए और मिल्क की क्वांटिटी यहाँ से लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप वाटर वाली क्वांटिटी से कर लीजिए, वाटर की क्वांटिटी यहाँ से लीजिए और यहाँ से लीजिए और यहाँ से लीजिए, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। यानी कि बर्तन ए और बी में से आपको किसी भी एक की क्वांटिटी लेके क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, आंसर तब भी सेम आएगा, चाहे मिल्क की ले लो चाहे वाटर की ले लो। देखिए कैसे, अभी इसको कर लेते हैं। मैंने यहाँ से मिल्क की क्वांटिटी ली, तो मिल्क की इस पहले बर्तन में कितनी क्वांटिटी है, 5 अपॉन में दोनों को प्लस करेंगे 8, यानी कि 5/8 हो जाएगी। बी वाले में कितनी है, ये आपका 2/5, तो ये 2/5 हो जाएगी, ठीक है, 2/5। और ये यहाँ पे आपका इसमें कितनी हो जाएगी मिल्क की, 1/2, ये तो दोनों की इक्वल ही रहेगी 1/2। अब इनको हम कर लेते हैं एक दूसरे में से माइनस, क्योंकि ये इसमें से माइनस होगा, ये इसमें से माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को देखिए 5/8 में से 1/2 करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा 8, तो ये तो 5 रहेगा और ये हो जाएगा 4, तो ये अब 1/8 आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये इसमें से माइनस हो जाएगा और ये इसमें से माइनस होगा तो 1/10, तो यहाँ पर रेशो क्या बन जाएगा भाई, 1/10 और 1/8 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमें रेशो बदलना है, रेशो में बदलना है, तो 40 आ गया
और 40 आ गया तो ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, और 8 से जाएगा 5 टाइम, तो 4:5 का आपका रेशो बन गया। यानी कि अगर हम मिल्क और वाटर को तीसरे बर्तन में मिलाते टाइम इस रेशो को मिलाते हैं, यानी कि मिल्क इतना और वाटर इतना, पहले बर्तन से 4 मिल्क और इतना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका तीसरा बर्तन जो बनेगा वो 1:1 का बन जाएगा, मिल्क और वाटर। ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपका एज से, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है, तो पी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए पी और क्यू का जो वर्तमान का रेशो दे रखा है वो 5:6 दे रखा है, तो मैं 5:6 को इस तरीके से लिखूंगा, 5:6x, यानी कि इसकी एज है पी की और ये क्यू की एज है। 7 वर्ष बाद इनका जो रेशो बन जाता है वो ए बन जाता है, तो मैं क्या करूँगा, +7 और +7 इन दोनों में कर दूंगा, तो ये किस रेशो के इक्वल हो गया, इस रेशो के ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्तमान रेशो ये है, 7 वर्ष बाद वाला रेशो ये है, तो इनमें अगर वर्तमान वालों में मैं 7:7 प्लस कर दूंगा तो ये इस रेशो के इक्वल हो जाएगा। तो बिल्कुल मुझे यही करना था, क्योंकि इक्वेशन बनाने के बाद ही क्वेश्चन सोल्व होगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 की 5 में होगा तो 35, और 7 की 7 में होगा 49, 6 की 6 में होगा 36x, और 6 की 7 में होगा 42। तो यहाँ पे एक्स वालों को एक साइड में लेके आ जाएंगे, 36 को 35 में से माइनस करेंगे तो एक्स ही बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 49, और 42 में से माइनस करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी 7 आ गई है। तो p पूछा है, किसकी एज पूछी है, p की वर्तमान आयु क्या होगी, तो p की वर्तमान आयु कितनी है, 5x, तो x की जगह आप 7 रख दीजिए, तो 5:7 करेंगे तो 35 वर्ष आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत सारे मैंने करा रखे हैं, बट ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, RPF SI या कॉन्स्टेबल का, तो इसलिए मैंने ले लिया था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही करते हैं। इसमें बोला है, मीता जिस सूट की सिलाई 2 घंटे में करती है, सीता उस सूट की सिलाई 3 घंटे में करती है, यदि दोनों एक साथ मिलकर सूट सिलना चाहे तो उन्हें कुल कितना समय लगेगा। देखिए मीता जिस सूट को 2 घंटे में सिलती है, तो मीता का जो टाइम लगता है वो 2 घंटे लगता है, और सीता का उसी सूट को सिलने में 3 घंटे लगता है, यानी कि मीता और सीता का मुझे टाइम का रेशो मिल गया। ठीक है, अगर मीता और सीता का मुझे टाइम का रेशो मिल गया, तो वर्किंग का रेशो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो जितना टाइम लेता है वो उतना ही काम करता है। अब ये कम टाइम लेती है तो ये ज़्यादा काम करेगी, और ये ज़्यादा टाइम लेता है तो कम काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा सा उल्टा होता है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको टाइम का रेशो मिल रहा है तो वर्किंग का रेशो आप निकाल सकते हैं, अगर वर्किंग का रेशो मिल रहा है तो आप टाइम का रेशो निकाल सकते हैं, बस आपको उल्टा कर देना है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 है, 3 और 2 मैंने कर लिया। अब यहाँ पे टोटल वर्क क्या होगा, अब ये जो टोटल वर्क ये करती है वही टोटल वर्क ये करती है, बस ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, ये थोड़ा कम टाइम लेती है, तो किसी भी एक की मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करके हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो मीता से अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर देता हूँ तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, यानी कि ये 2 घंटे में 3 यूनिट वर्क प्रति घंटा करके टोटल वर्क को कंप्लीट कर देती है। तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना हुआ आपका, 2 × 3 यानी कि 6 यूनिट आपका टोटल यूनिट ऑफ वर्क आ गया। अब ये कराना किससे, दोनों को मिलाकर, दोनों कितना करते हैं, 3 ये करती है, 2 ये करती है, तो 3 और 2 को कर देंगे 5, यानी कि 6/5 से आप डिवाइड करेंगे तो इतने घंटे में ये कवर होगा अगर दोनों मिलकर ये वर्क को करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन 2:3 से जो हमें मिला था डाटा उससे ही हमने कर लिया, कोई एक्स्ट्रा डाटा की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है भाई, 2:3 हमें टाइम का दिया था, हमने वर्किंग में बदल लिया, और वर्किंग से हमने क्या किया, तो इसका मुझे वर्किंग का और दोनों का टाइम का रेशो मिल गया, दोनों की मल्टीप्लाई की तो टोटल वर्क मिल गया, टोटल वर्क को मैंने इन दोनों के वर्क से डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों को मिला के वर्क कराना था। ये 3 करता है 2 करती है, ये 3 करती है 2 करती है, तो दोनों को प्लस किया 5, तो 6 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है, नितिन अपने स्कूल से 6 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, यदि वह अपनी चाल का 1 किलोमीटर बढ़ा देता है, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो वह स्कूल 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। देखिए जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी होती है और इस तरीके की कंडीशन आपको एग्जाम में दे दी जाती है, तो इसमें आपको एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्रिक अप्लाई करनी है और ये बहुत ही सिंपल है। इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी मैं आपको कवर करा चुका हूँ ऑलरेडी। देखिए इसमें है कि चेंज इन टाइम इनटू स्पीड 1 और स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 - स्पीड 2 आपको करनी है। ठीक है, तो इसमें चेंज इन टाइम क्या होता है,
नितिन अपने घर से 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है जब वो अपनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। जब वो 1 किलोमीटर की चाल बढ़ा देता है तो उसकी 6 मिनट पहले वो पहुंच जाता है। तो कंडीशन क्या हुई कि पहले वो 1 किलोमीटर की, मतलब जब वो बढ़ा देता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है टाइम से, और पहले वो 6 मिनट की देरी से पहुंच रहा था। तो इसका मतलब उसकी जो चाल बढ़ी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा से, इससे वो क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि 6 मिनट पहले पहुंचना स्टार्ट हो गया। तो चेंज इन टाइम कितना आया, 6 मिनट पहले देरी से पहुंच रहा था, अब 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, इसका मतलब टोटल 12 मिनट का चेंज इन टाइम आया, ठीक है। और स्पीड का बस आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि S1 इंटू S2 करनी है, अपोन में S1 माइनस S2 कर देनी है, ठीक है। तो चेंज इन टाइम कितना आपका 12 आया, 12 अपोन में 60 कर लेंगे, क्योंकि मिनट है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। और स्पीड वन आपकी यह है आपकी 5 किलोमीटर, और दूसरे वाली स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई थी तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो 5 × 6 कर लेंगे, अपोन में ये 1 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है, 12 से 60 जाएगा 5 बार, और 5 से 5 जाएगा तो 6/1 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से 1 जाएगा तो एक, मतलब 6 रहेगा, तो डिस्टेंस आपकी 6 किलोमीटर आ जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली ये ट्रिक ध्यान रखनी है, अगर दोनों साइड, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर दोनों साइड लेट होता है या फिर दोनों तरफ से जल्दी पहुंच जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो टाइम डिफरेंस निकालना होता है वो माइनस करके निकालना होता है। मान लीजिए ये इधर से 6 मिनट से देरी से पहुंच रहा था और ये इधर 2 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ देरी तो हुई, तो उस कंडीशन में 6 में से 2 को माइनस करके लिखते। अगर ये एक तरफ से देरी से पहुंच रहा है और दूसरी तरफ जल्दी पहुंच जा रहा है, पहले पहुंच जा रहा है, तो उस कंडीशन में दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो बस आपको चेंज इन टाइम और स्पीड की दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, S1 माइनस S2 करना है, बाकी तो आप इजीली सोल्व कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक आयतकार खेत का क्षेत्रफल जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई के योगफल का 15 गुना है। एक आयतकार जो खेत है उसका क्षेत्रफल, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि खेत की लंबाई 40 मीटर है तो खेत की चौड़ाई क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए लंबाई आपको दे दी गई है, चौड़ाई नहीं दी है, तो क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। मैं चौड़ाई को x मान लेता हूँ, ठीक है। अगर आपने चौड़ाई को x मान लिया तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ पे क्षेत्रफल की कंडीशन बताई गई है कि दोनों का, ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के योग का 15, यानी कि दोनों को लंबाई और चौड़ाई को प्लस करेंगे तो लंबाई मेरी 40 मीटर है और जो चौड़ाई है वो x मीटर है, तो दोनों को प्लस करके 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 15 गुना है दोनों के योग का। और यहाँ पे क्या है, लंबाई है आपकी 40 मीटर और चौड़ाई है x मीटर, तो 40 गुना x आपने इतना कर लिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 की 40 में करेंगे 600 और ये हो जाएगा 15x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40x। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, x वालों को एक साइड में ले आइए, तो आपका कितना बचेगा 25x और ये 600, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 600 अपॉन में 25, तो आपका ये 24 मीटर का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका, ये बाकी तो पूरा फॉर्मूले पे डिपेंड है, अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो आप इनको इजीली सोल्व कर लेंगे, अदरवाइज़ ये याद नहीं है तो सबसे पहले याद करने पड़ेंगे, मैं पहले आपको कई बार कवर करा चुका हूँ। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है 0.512 यानी कि 512 माइनस 0.064, इस तरीके से लिखा है, पूरा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया कि क्या आंसर होगा, तो ये पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता है 512, अगर मैं जीरो हटा दूं, 512 किसका क्यूब होता है, 8 का होता है, और ये 64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि a का क्यूब, ठीक है, और b का क्यूब अपोन में a का स्क्वायर, ये 64 आपका यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस a गुना b और यहाँ पे प्लस a का स्क्वायर, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी बराबर क्या होता है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब अपोन में a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी का स्क्वायर, ये ए बी का माइनस ए बी का a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये पता था तो आप डायरेक्ट कुछ भी नहीं करते, बस यहाँ पे क्या करते, 0.8 माइनस 0.4 यानी कि 0.4 आपका राइट आंसर हो जाता है। भाई a की वैल्यू आपको पता चल गई, b की पता चल गई, तो आप दोनों को माइनस करोगे ना या पूरा सोल्व करोगे, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये आप इजीली कर लेंगे। वैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए।
967 प्लस 289 का ये है आपका, यानी कि अब मैं इसको भी वैसे ही करूँगा। ए ये किसका फॉर्मूला है, ये है ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब किसके इक्वल होता है, 2 के। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इसको सोल्व नहीं करोगे, डायरेक्ट 2 आंसर लिख दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर है ये, ठीक है, यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर है ये अपोन में ए का स्क्वायर, यानी कि ए जब दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये ए का स्क्वायर लिख लीजिए, चाहे इसको ए गुना ए लिख लीजिए, इसे भी ए बी का स्क्वायर लिख लीजिए, बी गुना बी लिख लीजिए, तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें सोल्व करने की नहीं होती है अगर आपको ये फॉर्मूले पता हो। अगर देखिए ये वाला फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर अपोन में ए बी, ये किसके इक्वल होता है, 4 के। तो ये देखिए आप पूरा क्वेश्चन ऐसे के एज इट इज दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट 4 इसका आंसर लिखना है, ना कि इसको सोल्व करना है। तो तीनों नोट कर लीजिएगा, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछ ले जाते हैं, तो आपको इनका आंसर मतलब अगर याद भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। ये संख्या चेंज हो सकती है, बाकी यहाँ पे आपको मतलब वही पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक है, ये a माइनस बी का स्क्वायर है, ठीक है, और ये a मल्टीप्लाई बी है, ठीक है। संख्या कोई भी रख दी जाए आंसर 4 ही आएगा, ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे नाव और धारा से। इसमें है कि एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक को स्थान ए से बी तक जाने तथा वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं, तो दूरी ए से बी की ज्ञात कीजिए, यानी कि ए से बी के बीच की दूरी कितनी है वो आपको ज्ञात करनी है। तो ए से बी के बीच की डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे बोला जा रहा है ए नाविक जो है शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के वेग के 2 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, ठीक है, और इसका जो टोटल टाइम लगता है आने में और जाने में, यानी कि देखिए ये जाना हो गया ये आना हो गया, इसको टोटल टाइम लगता है 4 घंटे 30 मिनट। तो मैं इसको मिनट में बदल लूँगा क्योंकि ना तो ये घंटे में ना ये पूरा मिनट में, तो मैं इसको टोटल मिनट में बदल लूँगा। तो 4 घंटे में 240 मिनट होती है प्लस 30 तो 270 मिनट ये टोटल मिनट हो गई। तो यहाँ पे आपको एक डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान सा। टाइम, ठीक है, ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपोन में 2x, ठीक है। ये क्या लिखा है यहाँ पे, टाइम x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर अपोन में 2x। तो इसको देखिए टाइम क्या कितना है मेरा, 270 अपोन में 60 हो जाएगा, क्योंकि 270 को जब मैं घंटे में बदलूंगा तो 60 से भाग कर दूंगा। और यहाँ पे x का कितना है आपका, x की वैल्यू है आपकी 6, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, तो x का स्क्वायर माइनस और 2 किलोमीटर प्रति घंटा से उसकी जो है धारा का वेग है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2 × 6 कर लेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 जाएगी, ठीक है, ये कट जाएगा 3 से 2 बार, ये कट जाएगा 9 बार, और इसको भी हम आगे से सोल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको स्क्वायर कर लेंगे 6×6 36 और 2×2 4 तो माइनस करेंगे 32 अपोन में 6×2 12, 12 से ये जाएगा 3 से 4 बार और ये जाएगा 8 बार, ये भी जाएगा फिर 3 से जाएगा 3×3 9। तो इसी तरीके से आप पूरा सोल्व कर लेंगे स्कोर, ये बाद में आपको 12 किलोमीटर मिलेगा, आप पूरा कट करके देख लेना। अभी देखिए चीज़ क्या है इसमें, ट्रिक क्या है, जो कॉन्सेप्ट है पूरा ये है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार ए से बी तक की दूरी आपका टाइम आपको दे दिया जाता है और उन दोनों की डिस्टेंस आपको मतलब स्पीड दे दी जाती है, तो बस आपको सोल्व करना रह जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, उस पर 10% की छूट देकर भी 20% लाभ कमाता है, वस्तु कितने की है, खरीदी कितने की थी, यानी कि सीपी आपको निकालनी है। देखिए स्टेप वन पे हम जाते हैं, यहाँ पे अंकित मूल्य 500 रुपये है, उस पर 10% की छूट देकर, अगर मैं इस 500 रुपये पर 10% की छूट दूंगा यानी कि 50 रुपये की छूट दूंगा, तो जब 50 रुपये की छूट दूंगा 500 में से 50 रुपये की छूट देकर चीज़ को मैं बेच दूंगा तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 450। अभी भी वो उस पर कितना 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कि वो कितना कमा रहा है, 120%, यानी कि जो 450 से 120% के इक्वल है, तो 450 को 120 से भाग करूंगा और गुणा कर दूंगा 100 से, क्योंकि हमारी सीपी 100% होती है, तो 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर दूंगा। 0 से 0 जाएगी, 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा सॉरी 3 से कट जाएगा ये 2 से 50 बार और ये कट जाएगा आपका 2 से 3 बार और ये कट जाएगा 25 बार, 3 से कट जाएगा 15 बार, तो 15×25 आपका बच गया, यानी कि 375। सीपी कितनी आ गई, कॉस्ट प्राइस आपकी 375 आ गई, यही आपका सही उत्तर और राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप टॉपिक स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं लगातार यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। फेसबुक पे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे टॉपिक स्टडी को फॉलो कर लीजिएगा सर्च करके, बस आपको सर्च करना है टॉपिक स्टडी। और अगर आपको इस की PDF लेनी है इस वीडियो की, तो टेलीग्राम पे जाइए, टॉपिक स्टडी सर्च करिए, वहाँ से ज्वाइन करके PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सारी वीडियोज समझ में आ रही होंगी, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बाकी की वीडियोज देखने के लिए नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।